Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर यासिर नवाज, जिनको अभी चंद दिनों पहले ही कोरोना वायरस हो गया था और अब वो कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर अदाकारा व मेजबान निदा यासिर ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उनके शोहर यासिर नवाज अस्पताल में मौजूद अपना प्लाज्मा अतिया करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अदाकार यासिर नवाज ने कहा कि सबको ही मालूम है कि मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया था, जिसके बाद मैंने खुद करंटीना कर लिया था और एहतियाती तदाबीर की थी और अब जब मैंने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है तो मैं अपना प्लाज्मा अतिया कर रहा हूं। अदाकार व प्रोड्यूसर यासिर नवाज ने मजीद कहा कि इस मुश्किल घड़ी में प्लाज्मा अतिया करना सवाब का काम है, लिहाजा कोरोना से सेहतियाब होने वाले जो भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि अपना प्लाज्मा अतिया करें। यासिर नवाज ने मजीद कहा कि प्लाज्मा अतिया करते वक्त मामूली सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है, इसके बाद सब ठीक हो जाता है। उन्होंने अहम मालूमात से आगाह करते हुए कहा कि कोरोना से सेहतियाब होने वाला शख्स सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर ही अपना प्लाज्मा अतिया कर सकता है, क्योंकि इसके बाद वो प्लाज्मा ना तो इसके काम आएगा और ना ही किसी दूसरे मरीज के काम आएगा। ये वीडियो अदाकार यासिर नवाज ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और इसके कैप्शन में लिखा कि प्लाज्मा अतिया करें और जिंदगियां बचाएं। ये बात भी याद रहे, प्रोड्यूसर यासिर नवाज, अलीजे शाह और नोमान समी का एक निजी एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से ड्रामा मेरा दिल मेरा दुश्मन नशर किया जा रहा है और ये तमाम फनकार उसी ड्रामे की तशहीर के लिए निदा के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान आए थे, जिसके बाद निदा अपने शोहर और बेटी समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद यासिर नवाज अपनी अहलिया निदा और बेटी समेत अपने घर में ही आइसोलेट हो गए थे, जहां उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त दी और अब अदाकार यासिर नवाज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए हैं।